मैं किसी की नौकरी नहीं करता बिल्कुल। अच्छा भी। मतलब मुझे जरूरत है नौकरी की। मतलब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ई रिक्शा मजबूरी में चलाते हैं। नहीं मेरी कोई लेकिन मजबूरी अंकल नहीं है। मजबूरी में नहीं, एज अ एक्स्ट्रा इनकम। आपको कैसे पता चला कि मजबूत गाड़ी है बाहुबली? देखते ही पता लग जाता है बॉडी में। अच्छा, अगर ये एक्सपीरियंस है लोगों को नहीं है तो वो फिर आदमी नहीं है। जो तनख्वाह मुझे कार वाला देता था ना, उससे ज्यादा कमा रहा हूँ और उससे सुकून से कमा रहा हूँ। मजबूत के अलावा इसमें बहुत कुछ है सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई रिक्शा ज्ञान चैनल में। और हमारे साथ है अभी लगभग 60 साल इनकी उम्र है। और ये 60 साल की उम्र में अभी इन्होंने ई रिक्शा चलाना शुरू किया है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्होंने कैसे रिक्शा चलाया और क्या क्या चीज़ें हैं जो इनका अनुभव कहता है, और इन्होंने अभी फ़िलहाल 60 साल की उम्र में रिक्शा क्यों चला रहे हैं। सर सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? सर देवेंद्र कुमार। अच्छा, आप कितने टाइम हो गया पहले ये रिक्शा चलाते हुए? रिक्शा चलाने के मुझे 15-20 दिन हुए अभी। नहीं अच्छा, लिया मैं। नहीं लिया? हाँ नहीं, बिल्कुल लग रही है दोस्तों 15-20 दिन हो गए। अच्छा तो एक चीज़ बताइए कि आप ई रिक्शा क्यों चला रहे हैं? मतलब जैसे आप बता रहे हैं 60 साल लगभग उम्र हो गई आपकी। हाँ। तो ई रिक्शा क्यों चला रहे हैं आप? सर मैं नौकरी करता था कार चलाने की। अच्छा, मालिक से मेरी हो गई भिड़ंत। भिड़ंत क्या मतलब? बहस हो गई। अच्छा, मैंने नौकरी का मारी लात एक तरफ, होगा तू नौकरी वाला, हम भी काम करने वाले हैं। मैंने तुरंत ये ली। फिर पूरा कैश पे ली? नहीं, लोन करवाया। लोन करवाया, चलिए बढ़िया। अच्छा तो सर ये बताइए कि आप सिर्फ ई रिक्शा ही चलाते हैं कि और भी कुछ? नहीं, मैं कार चलानी जानता हूँ। अच्छा, कारपेंटर हूँ, लकड़ी का काम जानता हूँ। अच्छा, तो लकड़ी के काम में मेहनत ज़्यादा है, तो उम्र के हिसाब से मेरे से होता नहीं। लेकिन मैंने वहाँ पे भी एक आदमी छोड़ रखा है। मतलब आप कारपेंटर का काम भी करवा रहे हैं किसी से? हाँ, अपना ही काम है, किसी से करवा रहे हैं? मैं किसी की नौकरी नहीं करता बिल्कुल। अच्छा, मतलब मुझे जरूरत है नौकरी की। मतलब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ई रिक्शा मजबूरी में चलाते हैं। नहीं मेरी कोई मजबूरी नहीं। अंकल मजबूरी में नहीं, एज अ एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे यहाँ पे ई रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, इतने सारे ई रिक्शे मार्केट में, आपने बाहुबली को क्यों चुना? सबसे मजबूत गाड़ी है। तो जैसे आपने पहले कभी तो ई रिक्शा चलाया नहीं है ना, तो आपको कैसे पता चला कि मजबूत गाड़ी है बाहुबली? देखते ही पता लग जाता है बॉडी में। अच्छा, अगर ये एक्सपीरियंस है लोगों को नहीं है तो वो फिर आदमी नहीं है। अच्छा, एक्सपीरियंस की बात है। तो अंकल कह रहे हैं कि बहुत मजबूत गाड़ी। अच्छा सामने, अच्छा आपने जैसे 15-20 दिन जो चलाया है, हाँ, तो इसमें आपको लगा कुछ बढ़िया दमदार? जो तनख्वाह मुझे कार वाला देता था ना, उससे ज्यादा कमा रहा हूँ और उससे सुकून से कमा रहा हूँ। अच्छा जी, वो हाँ। तब भी उनका था, ये अपना है? वो वहाँ पर जाकर के मैं उनकी गुलामी करता था, अब मैं अपना बिल्कुल आजाद हूँ। तो यहाँ पे एक दिन चला के एक दिन में कितना लगभग कमा लेते हैं अंदाजा? देखो ये तो दिहाड़ी के ऊपर बात है और उसके ऊपर सवारी के ऊपर बात है, तब भी अंदाजा तो होगा। अंदाजा तो एवरेज 700-800 रुपए कहीं नहीं गए। 700-800 रुपए आराम से, ये तो खेलते कूदते कर लेते हैं। और थोड़ा मेहनत कर लो तो 1000 तो आराम से। हाँ वो तो वही बात, देखो इतना हिसाब किताब भाई नहीं होता, लेकिन 700-800 रुपए मैं छोड़ता नहीं। अच्छा, किसी भी हालत में चलाना शुरू किया, 700-800 रुपए तक चला ही लेते हो। और आपका जैसे कोई मजबूरी भी नहीं, तो कोई टारगेट नहीं रहता कि इतने कमाने। ना, 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 जैसे कि मैंने देखो, टारगेट की बात ऐसी है सर, जब तक दिहाड़ी नहीं बनती हम घर नहीं जाते। अच्छा, दिहाड़ी तो हमें 100% बनानी है। 700-800 जो कह रहे हैं आप, वो तो पक्के हैं, निकाला है तो दिहाड़ी बनानी चाहिए। ऊपर वाला अगर और ज्यादा दे तो हमें बुरे थोड़ा ही लग रहे हैं भाई। हां बिल्कुल बिल्कुल, सीधी बात है। तो मतलब ये आपका फिक्स रहता है कि इतना 700-800 निकाले, बाकी ऊपर वाला जितना करवा दे। चल, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर से बात की है ना, वो 1500 तक कमा रहे हैं, 1500-2000 तक कमा रहे हैं। मना नहीं कर रहा। हाँ नहीं बिल्कुल, वो पूरे दिन कमा जैसे। क्योंकि अब अच्छा सिंगल बैटरी है आप पे, तो सिंगल बैटरी आपको ठीक लग रही? क्योंकि अभी दिल्ली गवर्नमेंट तो खैर बंदी कर दिया 4 बैटरी वाली। देखो सर मेरी बात सुनो, सीधी सी बात बता रहा हूँ, सुबह रात को चार्जिंग पे लगाता हूँ और मेरी बैटरी पूरी 9 बजे तक चलती है रात को। अच्छा, सुबह निकाल, सुबह कितने बजे निकालते हैं? सुबह मैं 8:30-9 बजे घर से निकल लेता हूँ। अच्छा 8:30 निकालते तो 9 बजे तक चलाते हैं। हाँ, तो लगभग मैं मानूँ 12-13 घंटे चलाते हैं। बीच में आप गैप भी लेते हैं? गैप यही है भाई, नंबर आ गया तो खड़े रहो, नहीं आया तो। मतलब अपनी तरफ से खाना खाने चले गए, ऐसा कोई गैप नहीं होता? नहीं, खाना खाते हैं आधा, जो भी 15-20 मिनट, वो तो आधा पौना घंटा, जो भी 15-20 मिनट जो भी लगते हैं, मतलब वैसे कोई गैप नहीं लेते। मतलब पूरे लगभग अगर देखा जाए तो पूरे 13 घंटे आप चला रहे हैं रिक्शा, और 13 घंटे चल भी रही है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे आपने कहा मजबूती रिक्शा है, मजबूत के अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें? मजबूत के अलावा इसमें बहुत कुछ है सर। जैसे सबसे बड़ी बात तो इनकी सीटें बहुत अच्छी हैं, खुली। अच्छा, है कंफर्टेबल सीटें? हाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बताइए कुछ। और इसके जो शॉकर हैं वो बहुत अच्छे हैं, गाड़ी जो है ना बैठती नहीं बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ जैसे ई रिक्शा जैसे चलाते हैं लोग, कह रहे हैं गड्ढे, क्योंकि आजकल दिल्ली में गड्ढे बहुत हो गए हैं, तो गड्ढे में निकल, जैसे बहुत सारी रिक्शा होते हैं गड्ढे में रुक जाती है, वो इसलिए रुकती है, करनी पड़ती है। मैं बताता हूँ, वो इसलिए रुकती है, उनका जो बैटरी का हिसाब है ना वो गड़बड़ है, पावरफुल बैटरी। हाँ इसकी अगर गाड़ी में बैटरी और मोटर दोनों पावरफुल हैं, हाँ, तो मैं कहता हूँ कोई सा भी गड्ढा हो जाए यूं निकलती है
गोली की तरह। तो ये आपकी निकल जाती है? हाँ 100% निकलती है। अच्छा चलिए, मतलब बैटरी में तो आपका गड्ढे में से निकल जाती है। देखिए ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, अभी 15 दिन ही हुए तो बिल्कुल नई नई रिक्शा ये। हाँ। अच्छा एक और चीज़ लोग कहते हैं कटिंग इसकी अच्छी हो गई है पहले। कटिंग की बात ऐसी है भैया, जिस पर गाड़ी काटनी नहीं आती उसे तो कुछ भी दे दो, जब आती ही नहीं तो आती ही नहीं, आती ही नहीं। और जिसे गाड़ी चलानी आती है ना, कार वगैरह, हाँ, सब काट लेता, कटिंग कर लेता है। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे लोग कहते हैं फ्लाई ओवर पर ई रिक्शा का दिक्कत आता है, तो आपने जैसे 5 पैसेंजर बिठा लिए, 5 पैसेंजर बिठाने के बाद फ्लाई ओवर पर आराम से चढ़ जाती है, उसका भी चलाने का ढंग है। अच्छा। आप सोच रहे हो उड़ जाएगी, वो नहीं होगा। आप इसको बिल्कुल तसल्ली से और आराम से चलाओगे ना, तो बड़े आराम से चढ़ेगी। अच्छा हाँ। अच्छा एक और, जैसे कि अगर मान लो फ्लाई ओवर पर आप चढ़ रहे हो, बीच में जाम लग गया, रुक गए, तो गाड़ी पीछे जाएगी कि अब वहीं से खींच देंगे? नहीं, वहां से खींचेंगे जरूर। हाँ, लेकिन तरीके से अगर तो आप तरीके से खींचोगे, हाँ, तो गाड़ी, मैं कह रहा हूँ, गारंटी है ये रुकेगी नहीं। तो इसमें गाड़ी का भी कोई योगदान है कि सिर्फ ड्राइवर का ही है? नहीं, ड्राइवर का है सर। नहीं, गाड़ी का मतलब गाड़ी का योगदान ये है कि गाड़ी में अगर आपकी मोटर और बैटरी बिल्कुल टन है, सही है बिल्कुल, तो फिर आता योगदान ड्राइवर का। अच्छा, कि उसको गाड़ी किस हिसाब से उठानी है, किस हिसाब से उठानी है, बिल्कुल पिकअप का हिसाब है। आप किस हिसाब से पिकअप दोगे तो ही उठेगा। अब ये बस खड़ी है सामने, हाँ, या कार खड़ी है, आप उसको एकदम एक्सीलेटर दबाओगे तो सामने वाला ठुकेगा नहीं, और सामने वाला शमशान घाट पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हिसाब इसका है सर, गाड़ियों का ये हिसाब है। चलिए, अच्छा इसमें जैसे कि दो, मैं आपको इधर देख रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हैंड ब्रेक बाकी रिक्शा में या इस साइड होता है, आप में भी सेंटर में दे रखा है, आपके हिसाब से गाड़ी का, आपने कार चलाई है तो कार में भी लगभग सेंटर में ही होता है, तो आपके हिसाब से सेंटर यहाँ पे साइड में सही है या बीच में? यहाँ सही है। क्यों? वो इसलिए यहाँ तो हो गया वो, मतलब हैंड ब्रेक, हाँ, बाई चांस किसी ने, हाँ, वो हैंड ब्रेक नीचे उतार दिया और गाड़ी ढलान पे खड़ी हुई, हाँ, तो क्या होगा, फिर नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। हाँ, हाँ। यहाँ है, यहाँ पे ब्रेक है, तुरंत ही ब्रेक, दोनों हमें प्रोसीजर नजर नहीं हटती सामने से, नजर भी नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और, इसमें लॉक दो बाकी रिक्शा में नहीं होते, इसमें दो लॉक दे रखे हैं। जी हाँ। एक तो नॉर्मल जब ताला, तो वाला नॉर्मल ताले वाला है, और एक चाबी वाला, एक चाबी है, तो ये यूज करते ठीक है आप? हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, क्योंकि होता क्या है ना, अगर आप नॉर्मल लॉक वाला होता है ना, तो उसमें ताला लगा देते हैं, और ताला लगाने से चलती है ना, घिसता है वो, जो ऐसा घिसता है, सही कह रहे हैं, वो चीज़ इसमें नहीं हो पा रही, क्योंकि इसमें देखिए आप दो दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, और ये सब बढ़िया से चलता है। अच्छा, तो ये बाकी सब बढ़िया चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप ये रिक्शा जो भी जितना भी चला रहे हैं दिन में कमाते रहें और बढ़िया से चलाते रहें, और जैसे आपने कहा मजबूती है रिक्शा में और सारी चीज़ें हैं। अच्छा लुक में कैसा लगता है? जिस पहले तो चलो मजबूती तो है ही सर, है सर, मैंने जिस दिन गाड़ी ली थी ये, हाँ जी, तो मेरे कम से कम पड़ोस में भी कईयों ने देखी। अच्छा, और वहाँ दूसरी गाड़ी भी खड़ी है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल, तो दूसरी गाड़ियाँ भी खड़ी थी, ये भी खड़ी थी, ये उनसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, क्योंकि वो बेशक वो दूसरी गाड़ी नई भी क्यों ना खड़ी हो। अच्छा। लेकिन इसके जो लुक में बात है ना, वो उसमें नहीं है, एक दमदार लुक लगता है, और मजबूत दमदार, तो ये मतलब पता नहीं क्या बात है, इसको देखते हैं तो कहते हैं मजबूत है, मजबूत अपने आप ही देखते ही मजबूत, सामने वालों को कुछ नहीं पता लेकिन वो फिर भी कहता है कि मजबूत है, मजबूत गाड़ी है, बिल्कुल देखने में पता चल जाता है। जी हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। दोस्तों ये है, 15 दिन ही हुए हैं अभी रिक्शा चलाते हुए, और उन्होंने जितना बताया और मजबूरी जो भी जैसे, लेकिन 60 साल की उम्र है इनकी, और इतना ई रिक्शा चलाया है इन्होंने, काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस भी, और आसानी से कट, सारी चीज़ें इनको अच्छी लगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।